उज्जैन के केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में महिला कैदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। यहां महिला कैदियों की महिला डॉक्टरों ने विशेष जांच की। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि जेल की महिला कैदियों के लिए यह स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। इस शिविर में महिलाओं की शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG और लंग्स की जाँच की गई। यहाँ करीब 96 महिला बंदियों की जाँच की गई। अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी भी महिला बंदी को किसी प्रकार के कोई गंभीर बीमारी के लक्षण नजर नहीं आए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य था? जेल में महिला बंदियों के लिए जो है स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मेनली जो यहाँ पर महिला बंदी परिरुद्ध है उनका BP, शुगर और लंग्स और हार्ट, इन सब को लेकर के कोई उनको तकलीफ तो नहीं है। इसके लिए एक सघन कैंप का आयोजन किया गया, जिसको डॉक्टर सोनाली अग्रवाल ने किया था और इसमें संपूर्ण चेकअप उनका किया गया, ECG, शुगर और लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है और हार्ट वगैरह कैसा फंक्शन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी भी महिला को कोई गंभीर बीमारी की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।